इधर बात करें कितना सैलरी आपको देंगे अगर आप इनके पास बकरियां चलाएं तो। ना सर बना यार। एक मिनट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जुहैब से छोटा है तो ये देखें दाढ़ी वगैरह, मतलब अभी भी ये बच्चों के साथ खेल रहा है। बंदे को ये फील होता है कि मैं अभी बच्चा हूँ। और ये मौलवी साहब सोच रहे हैं कि यार आज के व्लॉग में क्या बनाना चाहिए, क्या कंटेंट बनाएं। यूट्यूब पे वीडियो बनाने का एक फ़ायदा है, बंदे की मेमोरीज यादें वगैरह जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बंदा जमा कर लेता है अपने चैनल पर। ये देखें, ये जब ये इधर इंटें ये लग रही थी, एक साल पहले मैंने इस पर व्लॉग बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तकरीबन 2 साल पहले ये जो है ना इधर जो सड़क बनी हुई है उसका काम स्टार्ट हुआ था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी और जुहैब ने भी बनाई थी। वो वीडियो भी मतलब मेरे चैनल पर अभी तक मौजूद है। 2 साल पहले की यादें, कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, मतलब ये कि बंदे की मेमोरीज बन जाती हैं। बोली साहब आप क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि कोई फनी वीडियो हो जाए। जब मैंने मौलवी साहब को कहा था कि आप भी यूट्यूब पर आएँ, तब हमारा माइंड था कि हम वेला मुंडा को देखते थे, खिजर उमर को देखते थे, हम चाहते थे कि हम जो है ना कॉमेडी वीडियोस बनाएं, और बनाई भी हैं कॉमेडी वीडियोस। मेरे इसी चैनल पर भी कॉमेडी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन टीम नामुकम्मल होने की वजह से जो है ना वो हमारा जो ख्वाब था वो रह गया। फिर मैंने मौलवी साहब को ये मशवरा दिया कि आप जो है ना यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाएं जैसे मैं बनाता हूँ। इधर बात करें कितना सैलरी आपको देंगे अगर आप इनके पास बकरियाँ चलाएँ तो। ना सर बना यार, बंदे को शर्म आती है तो इसलिए हमने ज्यादा बातें इनसे नहीं करनी। वो बंदा जा रहा है, वो वो कहता है कि आप बर्बाद करते हैं। मौलवी साहब आपकी जॉब नहीं लगनी इधर। मौलवी साहब की उर्दू जो है ना वो भी कमाल है। वो कह रहा है कि हम जो है ना आपको कमांद की कटाई दिखाते हैं। कमांद होता है या क्या होता है? गन्ने की कटाई दिखाते हैं आपको। यार देहात में इतना मतलब लोगों को सेंस नहीं है, वो कैमरे से डरते हैं लोग। देहात हो जहाँ भी हो, लोग कैमरे से डरते हैं। यार मोबाइल ये हमें जो है ना खा जाएगा, इस तरीके से वो डरते हैं। वो बंदा वो सामने है, भाग गया डर के, उखाड़ के वो हंस रहा है अभी। जी बकरियाँ वाइट कलर की हमारे पास भी हैं, लेकिन हमारे पास डिफरेंट कलर की हैं और डिफरेंट टाइप की हैं और डिफरेंट जनरेशन की हैं। ये देख सकते हैं आप। मौलवी साहब का व्लॉग अभी हमने मैंने जो है ना बनवा दिया, और मैंने सोचा है कि मौलवी साहब जहाँ पर काम करते हैं मौलवी साहब से मैंने इजाज़त लेनी है, और जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ जाकर इनकी वीडियो शूट करनी है, और आपको मैंने इनका काम दिखाना है कि किस तरीके से ये मजदूरी करते हैं, किस तरीके से मेहनत मुशक्क़त वाला काम करते हैं। हम इधर आए थे, हमने सोचा कि आपको गन्ने की जो कटाई हो रही है ये दिखाएं। कोई बंदे अभी काम नहीं कर रहे, ये इंशाल्लाह सुबह आ जाएंगे। ट्रैक्टर आया हुआ है लोडिंग करने के लिए, जो भी गन्ने साफ करके इधर रखे हुए हैं। अभी तक वो बंदा डरा हुआ है और उधर आपके सामने है। बहुत मतलब यार बंदे के अंदर खौफ आ जाता है। स्टार्टिंग में मुझसे मेरे साथ भी ऐसे था, मतलब बोलने का तरीका नहीं आता, बंदा हिचकिचाता है, समझ नहीं आती कि बंदा कैमरे के सामने क्या बात करे। हमें भी बकरियों का बहुत शौक है। ये इधर मतलब ज़्यादा जो है ना वाइट कलर की और एक ही नस्ल की हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ नस्ल की बकरियां हैं। वो भी इंशाल्लाह आपको उनकी वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगा। तो कल इंशाल्लाह हमारे पास आने वाले हैं वो शबीर भाई, जो 1 साल पहले मुझे उधर वो दरख्त है रुके थे सब, और हमने वहाँ पर व्लॉग्स वगैरह और वीडियोस वगैरह बनाई थी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो वो कल आने वाले हैं। यूट्यूब की जो पेमेंट आनी होती है उसके $50 हो गए और $50 बाकी हैं। जब वो उनके $100 हो जाएंगे तो हम उनसे एक पार्टी मांगेंगे, इंशाल्लाह वो हमें पार्टी भी देंगे। मौलवी साहब घूम रहे हैं, बोलना नहीं आ रहा। मैं इधर विलेज में आके कोई वीडियो बनाऊं, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए शायद आप भी बोर हो जाया करते होंगे। बोर नहीं होना इंशाल्लाह, बहुत जल्द आईफोन आने वाला है, आईफोन से रिकॉर्ड करके आपको व्लॉग्स दिखाएंगे, डेली वीडियोज़ अपलोड करेंगे, और आपको भी देखने में मज़ा आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक। ये जी मौलवी साहब आ गए हैं और अब हमने जाना है व्लॉग बनाना है।